सीतापुर नाम के एक गांव में संध्या नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। संध्या एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन उसके सर पर एक भी बाल नहीं थे, वो गंजी थी। इस वजह से उसके घर वाले भी बहुत परेशान रहते थे और गांव के सभी लोग उसका मजाक बनाया करते थे, इसलिए वो घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी। वो अक्सर अपने माता पिता से एक ही बात बोला करती थी, मैं कितनी बदसूरत हूँ ना माँ, मेरे सर पर एक भी बाल नहीं है और मैं बहुत ही ज्यादा खराब दिखती हूँ। संध्या बेटी, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, बचपन से ही तुम्हारे सर पर बहुत कम बाल थे और तुम जैसे जैसे बड़ी होती गई, तुम्हारे बाल पूरी तरह से झड़ गए। मेरे सर पर बाल नहीं है, इसलिए सभी लोग मेरा मजाक बनाते रहते हैं। इतना बोलकर संध्या रोने लगी। संध्या को रोता देख उसके माता पिता भी दुखी हो गए। ऐसे ही कुछ समय बीत गए। एक दिन संध्या सामान खरीदने के लिए बाजार जा रही थी। वही रास्ते में संध्या की एक दोस्त पिंकी नाम की लड़की अपने कुछ सहेलियों के साथ खड़ी थी। उन्होंने जैसे ही संध्या को देखा, वो संध्या का मजाक बनाने लगी। अरे वो देखो, आज तो दिन में ही चांद निकला है। इतना कहकर पिंकी और उसके सभी सहेलियां जोर जोर से संध्या को गंजी गंजी बोलकर चिढ़ाने लगी। गंजी गंजी गंजू पटेल तेरी खोपड़ी में तेल। उन लोगों की बातें सुनकर संध्या को बहुत बुरा लगा और वो रोते हुए घर वापस आ गई। उसको रोता देख उसकी माँ ने उससे कहा, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो, किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? हाँ माँ, आज जब मैं बाहर गई तो पिंकी और उसकी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ा रही थी, अब मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगी। संध्या तुम उदास मत हो, वो लोग बेवकूफ है, उन्हें इनकी सजा एक दिन जरूर मिलेगी, देख लेना। किसी के सर पर बाल होने से वो सुंदर नहीं हो जाता, किसी भी इंसान की सुंदरता उसके दिल से होती है। संध्या उस दिन से अपने घर से निकलना बंद कर देती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और संध्या की शादी की उम्र हो जाती है। उसके घर वाले भी उसकी शादी को लेकर काफी चिंतित होने लगे। एक दिन संध्या की मम्मी उसके पापा से कहती है, सुनिए जी, अब हमारी संध्या बड़ी हो गई है, गांव में जितनी भी उसकी उम्र की लड़कियां थी उनमें से ज्यादातर लड़कियों की शादी हो गई है, अब हमें भी संध्या की शादी करवा देनी चाहिए। तुम्हारी बात तो ठीक है भाग्यवान, लेकिन तुम्हें तो पता ही है हमने संध्या की शादी के लिए कितने लड़के ढूंढे हैं, लेकिन कोई शादी करने को राजी नहीं होता। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। काफी ढूंढने पर संध्या के पिता को एक लड़का मिलता है, वो उन्हें घर पर बुलाते हैं। वो लोग जब घर आने वाले थे तभी संध्या की माँ संध्या से कहती है, बेटी अभी तुम्हें थोड़ी ही देर में लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तुम्हें काम करना, एक दुपट्टे से अपने सर को ढक लेना। नहीं माँ, ये गलत बात है, मैं यूँ किसी को धोखे में नहीं रख सकती, और वैसे भी उन्हें कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा कि मेरे सर पर बाल नहीं है, तब उनको ज्यादा बुरा लग सकता है। इतना कहकर संध्या अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर में लड़के वाले संध्या के घर आ गए। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उन्होंने संध्या को बुलाया। संध्या जैसे ही वहाँ आई, अरे इस लड़के के सर पर तो एक भी बाल नहीं है, ये तो गंजी है। माँ मैं इस गंजू पटेल से शादी नहीं करने वाला, चलिए यहाँ से। इतना कहकर लड़का और उसकी माँ दोनों ही वहाँ से चले गए। उन लोगों की बातें सुनकर संध्या भी बहुत दुखी हो गई और वो घर से बाहर चली गई। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, वो अंधाधुंध चली जा रही थी। वो जब चल रही थी तभी उसे रास्ते में एक बुढ़िया दिखी जो कि कुछ फल बेच रही थी, लेकिन कोई भी उससे फल खरीद नहीं रहा था, वो काफी बीमार भी लग रही थी। तभी अचानक से उसको चक्कर आया और वो रोड पर ही गिर गई। संध्या दौड़ती हुई उसके पास गई और बोली, काकी आप ठीक तो है ना, आपको चोट तो नहीं लगी?
नहीं बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। संध्या उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद वो बूढ़ी औरत ठीक हो जाती है और संध्या से कहती है, बेटा तू बहुत अच्छे दिल की लड़की है, मैंने यहाँ से आते जाते बहुत लोगों से पानी पिलाने को कहा लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। लेकिन तुम उदास होकर क्यों आ रही थी, क्या हुआ मुझे बताओ। काकी, मेरे सर पर एक भी बाल नहीं है, आज मुझे लड़के वाले देखने आए थे, उन्होंने मेरा बहुत मजाक बनाया और चले गए, इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरे सर पर बाल नहीं है। अच्छा तो ये बात है, बेटी तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम कल अपने घर के छत पर चले जाना और मुझे याद करना, फिर देखना तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। संध्या खुश होकर घर चली जाती है और अगली सुबह होने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही अगली सुबह होती है, संध्या अपने छत पर चली जाती है और उस बूढ़ी औरत को याद करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगी। संध्या को लगा कि उस बूढ़ी औरत ने संध्या के साथ मजाक किया है, लेकिन जैसे ही उस बारिश की बूंदे संध्या के सर पर गिरी, उसके सर पर बाल आना शुरू हो गए। थोड़ी ही देर में संध्या के सर पर बहुत सुंदर सुनहरे बाल आ गए। संध्या बहुत खुश हो जाती है और दौड़ती हुई अपनी मम्मी के पास जाती है। माँ देखो, मेरे सर पर बाल आ गए, अब कोई भी मेरा मजाक नहीं बनाएगा। अरे वाह, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? इसके बाद संध्या ने अपनी माँ को सारी बातें बताई। बाल आने की वजह से संध्या इतनी खूबसूरत हो गई थी कि वो घर से बाहर निकलती तो सबकी नजरें उस पर ही टिकी रहती। ऐसे ही कुछ दिन बाद संध्या की शादी एक बहुत ही हैंडसम और अमीर लड़के से हो जाती है। उसके बाद संध्या के जीवन में कोई भी दुख नहीं रह गया था।